देवभूमि में अवैध शराब की तस्करी का ऐसा शातिर खेल जिसने पुलिस को भी कर दिया हैरान। पुलिस और सेना के फर्जी स्टिकर लगाकर चल रहा था शराब तस्करी का कारोबार, लेकिन आखिरकार पकड़े गए नशे के गुनहगार। अवैध शराब के इस पूरे काले खेल का खुलासा ऋषिकेश आबकारी विभाग और पुलिस ने मिलकर किया है। ऋषिकेश के रानी पोखरी से हरियाणा ब्रांड की शराब की भारी भरकम खेप के साथ दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि ये शराब तस्करी कैंटीन के नाम पर शराब को सस्ती दरों पर हरियाणा से मंगवा कर शादी पार्टियों और अन्य कार्यक्रमों में बेच रहे थे। शराब तस्करों के पास से 14 पेटी हरियाणा ब्रांड की शराब बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हरियाणा की शराब की बोतलों पर सेना का फर्जी स्टिकर लगाते थे। ये काम देहरादून में होता था, डिफेंस का फर्जी स्टिकर, ताकि खरीदारों को ये धोखा हो कि उन्हें शराब जो मिल रही है वो बढ़िया क्वालिटी की है। इसके अलावा आरोपी जिस कार से ये शराब लाते थे उस पर हरियाणा पुलिस का फर्जी स्टिकर लगाया हुआ था। ऋषिकेश पुलिस ने अवैध शराब की पूरी खेप के साथ शराब तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। दोनों तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कोर्ट में पेश किया, फिर वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। आरोपियों के नाम राकेश और सुमित हैं। राकेश हरियाणा का रहने वाला है और सुमित देहरादून का। राकेश शराब की अवैध खेप हरियाणा से लाता था, उसे सुमित को देता था। इसके बाद शराब महंगे रेट पर डिमांड के मुताबिक सप्लाई की जाती थी। जो हमारी अभी प्राथमिक जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो हरियाणा का व्यक्ति है वो सुमित को हरियाणा से ला के यहाँ पे सप्लाई करता था शराब, और सुमित जो है इस क्षेत्र में बिक्री कर रहा है। ज़्यादातर इनका टारगेट जो है शादी पार्टी में ये बताकर कि ये कैंटीन की शराब है और सस्ती शराब कैंटीन में मिलती है, ये कहकर ये लोग सप्लाई करते थे। क्योंकि इनके सोर्स का पता नहीं है कि किस डिस्टिलरी में बनी है, कहाँ बनी है, किस दुकान से सप्लाई हुई है, इसीलिए ये कहना सही है कि ये अभी नुकसानदायक भी है। एक गाड़ी जो हमने करनाल वाले व्यक्ति की पकड़ी है उसमें पुलिस का एक लोगो, हरियाणा पुलिस का लोगो लगा हुआ है। उत्तराखंड में शराब की कीमतें ज्यादा हैं, इसी वजह से तस्करों के मुनाफे के लिए ये रास्ता निकाला। सस्ते रेट पर हरियाणा से शराब की खेप लानी शुरू कर दी और उसे ऋषिकेश और आसपास शादी पार्टी और दूसरे कार्यक्रमों में महंगे रेट पर सप्लाई करने लगे। पुलिस का दावा है कि ऋषिकेश में गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी तस्करी के मामले में पहले भी पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, तो फिर पता चल पाया कि नशे के इस पूरे रैकेट का नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है और कितने लोग इसमें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।